हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज के वीडियो में सीखें 25 ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें कि हम मुहावरे या लोकोक्तियां कहते हैं हिंदी में, मींस इडियम्स या फिर प्रोवर्ब्स, जिन्हें कि हम बोलते हैं जब हिंदी में बट हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता होती। जैसे कि आप बोलते हो कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, हम ना इधर के रहे ना उधर के, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आज का वीडियो देखें और सीखें। कि हम कहते हैं कि सबर रख, इंतजार का फल मीठा होता है। तो बी पेशेंट, द रिवॉर्ड्स ऑफ पेशेंस आर स्वीट। बी पेशेंट, द रिवॉर्ड्स ऑफ पेशेंस आर स्वीट। नेक्स्ट वन इज, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उसके लिए हम बोलते हैं अ फूल प्रूफ अरेंजमेंट। तो सेंटेंस है कि चिंता ना करो, ऐसा इंतजाम किया है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डोंट वरी, अ फूल प्रूफ अरेंजमेंट इज देयर। डोंट वरी, अ फूल प्रूफ अरेंजमेंट इज देयर। नेक्स्ट वन इज, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब वंस इन अ ब्लू मून। तो जैसे कि आपको बोलना है कि तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई ओनली सी यू वंस इन अ ब्लू मून। आई ओनली सी यू वंस इन अ ब्लू मून। तो इसमें आई ओनली सी यू का मतलब है कि आपको वो कभी कभी मिलता है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। एवरी डॉग इज अ लायन इन हिज बैकयार्ड। एवरी डॉग इज अ लायन इन हिज बैकयार्ड। अब हम ये भी सेंटेंस बहुत बोलते हैं कि मौका हाथ से मत जाने दो, यह मौका हाथ से मत जाने दो। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास बाय। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास बाय। अब नेक्स्ट वन इज, कि सच छिपता नहीं, सामने आ ही जाता है। तो द ट्रूथ इज नेवर हिडन। द ट्रूथ इज नेवर हिडन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ashes can't conceal fire. Ashes can't conceal fire. जब हम कोई बात कर लेते हैं ऐसे कि हमें बाद में पछतावा होता है, तो ये idiom बोला जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसके लिए हम बोलेंगे it's no use crying over spilt milk. It's no use crying over spilt milk. अब ये भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि आखिरी दम तक हाथ पांव चलते रहे तो ही अच्छा है। तो उसे बोलने के लिए हम बोलेंगे वन मस्ट वर्क टिल वंस ड्रॉप डेड। वन मस्ट वर्क टिल वंस ड्रॉप डेड। ड्रॉप डेड का मतलब होता है आखिरी दम तक, मतलब जब तक आप मर नहीं जाते। हाँ बैल मुझे मार का मतलब होता है टू डिग वंस ऑन ग्रेव। टू डिग वंस ऑन ग्रेव सेंटेंस है। जंक फूड खाना हाँ बैल मुझे मार जैसा है। तो ईटिंग जंक फूड इज लाइक डिगिंग वंस ऑन ग्रेव। ईटिंग जंक फूड इज लाइक डिगिंग वंस ऑन ग्रेव। अब आपने ये भी बहुत बोलते हुए सुना होगा कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो इसे हम अगर सिंपल इंग्लिश में बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं There is no end to wants and desires. There is no end to wants and desires. या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, A beggar's ball is bottomless. A beggar's ball is bottomless. Next one is, इस हाथ दे उस हाथ ले। उसे हम बोलते हैं give with one hand and take with the other. तो sentence है, अपना तो सीधा सा हिसाब है, इस हाथ दे उस हाथ ले। Give with one hand and take with other is my policy. Give with one hand and take with the other is my policy. उंगली पकड़ानी पौंचा ही पकड़ लेना का मतलब होता है कि to give someone an inch and he will take a yard. तो sentence है, मैंने तो तुझे उंगली पकड़ाई, तूने पौंचा ही पकड़ लिया। I gave you an inch and you took a yard. मतलब ये sentence हमारा past tense में आ गया, तो हमने gave और took लगा दिया। I gave you an inch and you took a yard.
ऊंट किस करवट बैठता है को हम बोलेंगे सी विच वे द विंड ब्लोज। चलो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज। लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज। नेक्स्ट वन इज उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम उसके लिए बोलेंगे होप सस्टेन्स लाइफ। सेंटेंस देख लेते हैं। उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। डोंट गिव अप होप, होप सस्टेन्स लाइफ। डोंट गिव अप होप, होप सस्टेन्स लाइफ। अब हम बोलते हैं कि उपयोग करने से चीजें ठीक रहती हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे द यूज की इज ऑलवेज ब्राइट। द यूज की इज ऑलवेज ब्राइट। अब हम कई बार बोलते हैं कि सही समय पर ही काम कर लेना चाहिए या समय रहते ही काम कर लेना चाहिए, तो उसके लिए हम बोलेंगे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। नेक्स्ट वन इज नहले पर दहला मारना। नहले पर दहला मारना को हम बोलते हैं टू गो वन बेटर। टू गो वन बेटर। सेंटेंस देख लेते हैं। हम बोलते हैं कि मैंने भी इस बार नहले पे दहला मारा, या मैंने भी इस बार नहले पे दहला मार दिया। आई ऑल्सो वेंट वन बेटर दिस टाइम। क्योंकि इसमें भी ये पास्ट टेंस में चला गया, तो हमने गो का वेंट कर दिया। आई ऑल्सो वेंट वन बेटर दिस टाइम। जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए बहुत ही आपके क्लोज रिलेशन में लड़ाई होती है, तो ये डायलॉग बहुत मिलता है सुनने को कि कभी नाखूनों से भी मांस अलग हुआ है भला। तो उसके लिए हम बोलेंगे स्किन इज इनसेपरेबल फ्रॉम नेल्स। स्किन इज इनसेपरेबल फ्रॉम नेल्स। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना को हम बोलते हैं सिफ्ट द चैफ फ्रॉम द ग्रेन। तो सेंटेंस है मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, तो उसके लिए आई विल सिफ्ट द चैफ फ्रॉम द ग्रेन। आई विल सिफ्ट द चैफ फ्रॉम द ग्रेन। सिफ्ट का मतलब होता है कि छलनी से छानना, और चैफ का मतलब होता है भूसा। नेक्स्ट वन इज आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो उसके लिए हम बोलेंगे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। तो सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से। जब मेरी नौकरी छूटी तो मेरी हालत वो थी जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। When I lost my job, I really felt like out of the frying pan into the fire. When I lost my job, I really felt like out of the frying pan into the fire. Next one is अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना को हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब अपने ब्रेन पे जोर डालना, तो हम बोलेंगे रैक द ब्रेन। तो सेंटेंस है अकल के घोड़े मत दौड़ा, उसके लिए हम बोलेंगे डोंट रैक योर ब्रेन। डोंट रैक योर ब्रेन। अब हम ये भी सेंटेंस बहुत बोलते हैं कि अकलमंद को इशारा ही काफी होता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे द वाइज नीड जस्ट अ नॉड। द वाइज नीड जस्ट अ नॉड। नेक्स्ट वन इज बात की तह तक पहुंचना, तो उसे हम बोलते हैं गेट टू द बॉटम ऑफ सम इशू। तो उसके लिए सेंटेंस है मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस इशू। आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस इशू। नेक्स्ट वन इज ना इधर के रहना ना उधर के, तो उसको हम बोलते हैं नीदर हेयर नॉर देयर। तो उसके लिए सेंटेंस है हम ना तो इधर के रहे ना उधर के, तो हम बोलेंगे वी आर इन लिम्बो। नीदर हेयर नॉर देयर। वी आर इन लिम्बो नीदर हेयर नॉर देयर। अब लिम्बो का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जो कि अननोन है, जिसमें कि आप डायलेमा में हो, दुविधा में हो, मतलब अब आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं वी आर इन लिम्बो। लास्ट वन इज पांचों उंगलियां घी में होना, तो उसे हम कहते हैं टू बटर द ब्रेड ऑन बोथ साइड्स। टू बटर द ब्रेड ऑन बोथ साइड्स। तो सेंटेंस है अभी तो उसकी पांचों उंगलियां घी में है, तो राइट नाउ ही इज बटरिंग द ब्रेड ऑन बोथ साइड्स। राइट नाउ ही इज बटरिंग द ब्रेड ऑन बोथ साइड्स। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना भी मत भूलिएगा।
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम अहेड. बाय बाय.